आज कहाँ कर दो पे? हाँ मिस्टर एंड मिसेस रहने दो और फ्रॉम भी ख़त्म कर दो और 2024 भी रहना दो, यहाँ पे हज कर दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो और मिस्टर मिसेस सेंटर में ले आओ और यहाँ जवाब लिख दो और नीचे से यान फैमिली ख़त्म कर दो। ये बहुत ऊपर नहीं हो जाएगा? हाँ थोड़ा सा नीचे कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द जी फैमिली चैनल। चलें जी, यहाँ हो रही है आशु की वापसी की तैयारी और जी मैं मीना को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, मीना बना रही थी वो जिसके ऊपर मैसेज लिखना था हम लोगों को और दुआ लगा रही थी जाजू को मेहंदी। नाल ही जी मैं की थी तैयारी बिरयानी बनाने की, मैंने बनानी थी बिरयानी और पास्ता। आज शाम की थी जी फ़्लाइट आशु की, रात की इंशाल्लाह ताला, एक घंटा डिले थी लेकिन हमारे काफ़ी सारे काम जो उनसे थे आज के दिन में करने वाले थे, तो खाना जो हम लोगों ने ना डिवाइड कर लिया हुआ था, मैंने नाज और ताहिरा ने मिलके बनाना था और साथ में मीठा बनाना था ताहिरा की सिस्टर सोनू ने, तो हमारा काफ़ी हद तक काम प्रिटी मच जोन सा था, डिवाइडेड था खाने के मामले में। और पास्ता मीना ने कहा वो बनाती, आज उसको शौक आया हुआ था तो मैं उसको बताती जा रही थी, वो मेरे पास खड़े होकर आज उसने पास्ता बनाया था, तो हमने थोड़ा सा बल्क में बना लिया था कि बच्चे दोपहर में भी पास्ता खा लेंगे और एक डिश हम शाम में भी ले जाएंगे। उसके बाद जी सारा सामान लोड किया गाड़ी में, शेरू के भी चीज़ें रखनी थी सारी और जाजू का भी लगेज रखना था सारा जो कुछ था, तो बस जी हम लोग गए फिर दोबारा से आशु के घर। पहले मैं ख़ुद से निकलने लगी थी, जाजू को शॉवर दिलाना था और बाकी चीज़ें मैनेज करनी थी, मैंने कहा कि नहीं मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो ए जी ओ वैक्यूम जरा सानू थे यूज़ करना नहीं सी आ रहा आशु दा, तो वो मैं घर से ले गई थी। तो मैंने फिर दुआ और मीना को कहा बेटा आप लोग भी साथ हो तो हम मिल के करते हैं। तो ये जी वो ट्राईपॉड स्टैंड जो सा था जो कि मैंने ईद पर लिया था स्पॉट फ्लाइट से, ये वो है और बाकी सारी चीज़ें जो उनसी हैं उनके बच्चों का लगेज था, तो बस ये काफ़ी फुली पैक्ड गाड़ी थी हमारी माशाल्लाह से। तो अभी आपको दिखाते हैं जी कि हमने इन सारी चीज़ों के साथ क्या करना था। लगेज वगैरह शेरू का शेरू के रूम में रखा, जाजू की चीज़ें जाजू के रूम में रखी और जाके जी ये बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखी थी लोग, दुआ मीना ने नहीं देखा हुआ था पहले, जाजू तो हमारे साथ ही थी रात को जब हम कर रहे थे। तो ये जी बस एक ट्राईपॉड स्टैंड वाला चीज़ रह गई थी तो हमने ये वहाँ पर सेट किया और बस जी बच्चियाँ साथ आ गई थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी, क्योंकि मल्टीटास्किंग हम लोगों ने सब ने मिल के फटाफट मैनेज कर लिया था। जी मैं लाने सन अदिद वाले फुल, तो बस ये सेट करने की कोशिश करी थी, कुछ सेटअप हो नहीं रहा था, ये थोड़ा सा स्टिफ हुई हुई थी ब्रांचेस, दुआ ने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कराई। ये है जी अजान फ्रेम की अनबॉक्सिंग, हम लोगों ने जाजू और जवाद, जाजू नहीं आशु और जवाद भाई के लिए जो उनसा गिफ्ट सोचा हज का, वो हम लोगों ने सोचा कि हम अजान फ्रेम जवाद भाई के लिए लेते हैं और आयशा का गिफ्ट आपको बाद में नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी बस मैंने हम लोगों ने प्लान किया था कि हम इसको सेटअप करके ऑन करके अजान फ्रेम को सेटअप करके रख देंगे। या जब प्लग प्लुग लब लेता सी उन्होंने पीछे कितने कितने है वे चीज़ें, तो बस ये अभी तो हमने जो मुझे समझ आया मैंने वहाँ पे रख दिया, फिर वो अकॉर्डिंगली जहाँ पे उनको एडजस्ट करना होगा वो उसको सेट कर लेंगे वापस आके इंशाल्लाह ताला। मुझे पर्सनली अजान फ्रेम ये बहुत पसंद है, आप लोगों ने जो मेरी रमदान वाली सीरीज़ देखी होगी आपने उसमें देखा भी होगा कि मैंने ऑलमोस्ट हर जगह पे आप लोगों के साथ उसके रिमाइंडर्स जो उस पर प्रॉम्प्ट होते थे वो भी शेयर किए थे। तो ये लें जी, ये है पूरी लुक माशाल्लाह से, इट वाज लुकिंग रियली गुड और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं दुआ ने साथ करना शुरू किया वैक्यूम और जो मीना है उसको मैंने कहा कि वो जाजू का रूम सेट कर दे, क्योंकि वो चीज़ें वगैरह वो खेल रही थी और कुछ चीज़ें भी लेके वहाँ से घर से आए थे भी वापस, तो ये जी मीना ने माशाल्लाह से उसका रूम सेट कर दिया और मीन वाइज जो सा जाजू ने शॉवर वगैरह लिया और बस जी मैंने इसके बाद किया हल्का फुल्का मोप और हम लोगों ने घर जो सा वो माशाल्लाह से रेडी हो गया हाजियों को वेलकम करने के लिए। जी मैं मोप लगी सी करन, हाँ जी घर आके दिया बिरयानी को दम और मीन वाइल हो गया जी जाजू का सरप्राइज़ टाइम भी, आज था उसका हमारे साथ लास्ट डे और मैं मुझे फील भी हो रहा था कि आई एम गोना मिस हर अलॉट, लेकिन माशाल्लाह से वो हैप्पी भी थी, उसके मब्बा आ रहे थे वापस। गेस व्हाट इट इज, अ बॉक्स। ओके यस इन द बॉक्स, आई डोंट नो। ओके एनी गेसेस? नो। ओके चलो चूल्हा बंद कर दिया। Wow.
Okay, next one, quickly. We have no time. One is from Chachu, okay? Okay, okay. ये सरप्राइज हुआ जो चाचू ने देना था आपको पेंसिल्स yeah. ये सरप्राइज था जो मैंने आपको व्हाट इट इज मेटालिक मार्कर्स मेटालिक यू गॉट द ग्लिटर वन फर्स्ट एंड देन ये जो सिर्फ कैन पुट इन द कॉर्नर लाइट ऑन ही ना कर दे इसकी और क्या क्या वो भी ऑन कर दे लाइट हां ये अच्छा किया यहां रख दिया ये कैसे होनी थी जस्ट प्रेस द पीछे के बटन ये वाला नहीं ये तो उसकी बैटरी की हाँ अच्छा अच्छा लग रहा है ना बस उसके ये शाम को गाड़ी में दे देते ना वहीं रख देते जी हम सब ने आना था पहले आशू के घर सब ने खाना वहाँ ड्रॉप करना था अब पिकअप का भी ये प्लान था कि पहले प्लान था कि सिर्फ जो बॉयज़ हैं वो जाएंगे और जाके वो लोग रिसीव करके ले आएंगे और हम घर पे रह के उनको वेलकम करेंगे लेकिन जी फिर डिसाइड हुआ कि हम सब इकट्ठे जाते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ वेलकम फॉर द हाजीज़ तो हम सबको इंशाल्लाह ताला जाना चाहिए और जाके उनको जैसे पाकिस्तान में सब लोग जाते हैं रिसीव करने तो हम भी यहाँ पर सब इकट्ठे होकर रिसीव करने जाते हैं तो है जी फिर असं गड्डियाँ लाइया एक दूजे के पिछे है कैदी नंबर 804 गड्डी साढ़े अगे सी जी ये नास की गाड़ी थी वो आज लोग सुबह पर टेस्ट पे गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे अपनी गाड़ी को पेंट करवाया था ये बस जी एयरपोर्ट पहुँचे एयरपोर्ट पहुँच के आपस में कोऑर्डिनेट किया कि कितने पार्क करिए तायरा ने कहा जी कि उन्होंने लेवल 3 पे पार्क किया हालांकि लेवल 1 पे पार्किंग थी लेकिन ऐसे भी गड्डी लेवल 3 तक ले गए फिर रास्ते में क्योंकि प्लेन में सिग्नल्स आ रहे थे नेट था आशु के पास तो मैंने उसको मैसेज करके कह दिया था कि सिर्फ जोन से है ना जो बॉयज़ हैं सिर्फ वो पिक करने आ रहे हैं और हम तुम्हें घर पे वेलकम करेंगे मारिया तो ऐसी झूठती सी पर ऐसे क्या कोई नहीं थोड़ा जा सरप्राइज़ देने वास्ते आज ये ना थोड़ा जा झूठ बोल लेने हालांकि हम आपस में हंस रहे थे कि एक तो आज ही आ रहे ऊपर से हम उनके साथ झूठ बोल रहे हैं लेकिन जी प्लान था सरप्राइज़ देने का तो हम लोग सारे पहुँचे एयरपोर्ट माशाल्लाह सब की ही एक्साइटमेंट बड़ी पीक पर थी अपने सर बहुत बहुत मुबारक हो आज की आपको आज मुबारक कैंडीज तो मेरे पास है सारी अस्सलाम वालेकुम अभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज आज मुबारक जवाब दे असी अड्डी माशाल्लाह लाओ ना एक एक पूरी लिफ्ट असल में एक सारी लिफ्ट चाहिए आया नहीं होगा तो ये जी क्यों माशाल्लाह हम काफ़ी बड़ा टब्बर थे माशाल्लाह से सारे इकट्ठे तो हम एक लिफ्ट में आ नहीं सकते थे काफ़ी रश भी था बिजी था ऐसी लितियाँ सीढ़ियाँ सी कि चलो हम सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं उतू लेवल 3 थे मेरे को पार्किंग कराई हुई इसी तायरा ने तो एनीवेज जी हम सब जौन सा ना कुछ लोग चले गए लिफ्ट से जो जितने जा सकते थे बाकी मेजोरिटी हम लोग फिर जौन सा है वो जौन सा स्टेयर्स से ऊपर गए तो वही हंस रहे थे कि हाँ जी तुम तो प्रैक्टिस करके आए हो सारे टुट टुट के साड़ी वक्री हथे जड़ी ना प्रैक्टिस में भी नहीं आ गए तो सानू इन सीढ़ियाँ चढ़निया पै गई ने एनीवेज जी वहाँ पहुँच के फिर प्लान हो रहा था कि कौन कैसे जाएगा किस तरह बैठेंगे तो फाइनली सारा प्लान हुआ कि जी बच्चियाँ जो गर्ल्स हैं सारी वो एक गाड़ी में हो जाएंगी और क्योंकि जाजू की कार सीट हमारी गाड़ी में थी तो वो जवाद भाई और जाजू हमारी गाड़ी में हो जाएंगे तो हम सारी जो फ्रेंड्स थी हम सारी मैं ताहिरा और नाज जोन से हैं वो ताहिरा की गाड़ी में इकट्ठे लगी थी फिर मैंने सोचा कि भाई की गाड़ी में ही है क्योंकि वो शौहर हैं तुम्हारे मैंने कहा चलो कोई नहीं रात में शौहर की आँख खुली देखा बीवी सो रही है उसके पाँव के पास एक नागन बैठी है तो पता है नागन क्या है स्नेक स्नेक शौहर धीरे से बोला डस ले नागन बोली चूने आई हूँ गुरु है पारी
ये जी रास्ते में कुछ हो रही थी हज की बातें, फिर थोड़ा सा जोक्स वगैरह चल रहे थे, तो हम लोगों ने जी क्योंकि जल्दी पहुंच के थे, हमारा प्लान था हम सब ने इकट्ठे एंटर होना है, क्योंकि अब जवाब भाई डिफरेंट गाड़ी में थे, आशु हमारे साथ डिफरेंट गाड़ी में थी, तो इस वजह से हम लोग रास्ते में रुके कॉल्स पे। हमने कहा जी कि हमारे पास अब टाइम है तो अब हमें खिलाएं आप आसिफ भाई आइसक्रीम, तो हम आसिफ भाई के खाते में जी हमने आइसक्रीम डाली बदोबदी, और जो सा ना हम लोग रास्ते में रुक के थोड़ी देर के लिए ताकि बाकी सब लोग भी तब तक पहुँच जाएँ, हम थोड़ा सा टाइम पर पहुँच गए थे जल्दी, बाकी सब लोग अभी थोड़ा सा पीछे थे हमसे। तो एनीवेज जी हम लोग चले गए कोल्स पे, वहाँ पे हम लोगों ने उठाई आइसक्रीम, और यहाँ से प्लान था वापस घर जाने का, वेट करने का जब तक के सब आ जाएं, तो फिर ही हम घर में एंटर होंगे, इकट्ठे सबको एंटर करने देंगे थोड़े दिन आगे। हाँ जी स्ट्रीट आइसक्रीम पार्टी अच्छा था, हाउ इज यू वेलकम टू कम हियर आफ्टर आफ्टर 10 शो आई फिनिश इट अच्छा दो बजे चले गाड़ी में बैठ के खाते हैं, हां टेस्ट करते हैं बाहर आ गए चल गया ए सालियां फील आई हो सालियां ऐसे तेरिया नंदा हाँ तेरिया तो नंदा हाँ लेकिन अभी हमने फील कराई है आपसे बिल्कुल कि हम उनकी साली हैं तुम्हारी पानी कर रहे हैं ये करेंगे पानी कर रहे हैं तय हो रहा जी बिहाइंड द सीन्स, आशु को हमने बाहर गाड़ी में तायरा के साथ बिठाया था और बाकी सबका वेट कर रहे थे बस जी उसके बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा फोटो सेशन, सब लोगों ने बारी बारी पिक्चर्स बनाई बैक उसके बैकग्राउंड के साथ बैकड्रॉप के साथ। पता भी है तनु के अगले बंदे ने जो पाड़ा भी ना होए डजंट मैटर, निशानी निशानी होती है, निशानी निशानी होती है। अब वो ज़ारा दी तो नज़र आ गई है ना। हाँ वो दी तो है, उन्हें तो पहले कहना ये जी है डिनर सेट तरीक सास किस्म का, इसकी स्टोरी आपके साथ अभी शेयर होती है। ये जी हमारा बिस्मिल्लाह हो गया, चलिए दोनों लगी हुई भाजियाँ मेरी बड़े हैं गया दूजे चीज़ा खोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अगर आप मैंने मेरे से पूछा है सरप्राइज ना हो इतना बड़ा अच्छा है ना, ये तो सामने चाहिए ये तो वैसे निकालना है ना।
ये जी इस डिनर सेट की स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये आशु ने एक दो साल पहले मंगवाया था पाकिस्तान से, तो आते हुए जब जवाद भाई लेके आए थे तो उनको इसका कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था कि वेट एक्सीड हो गया था, तो टोटल कॉस्ट इस डिनर सेट की पड़ी थी, इसका कॉस्ट देम फॉर्चून काफ़ी महंगा था, तो इस वजह से उन्होंने अभी तक खोला नहीं था बिकॉज शी वॉज बिट स्केयर्ड कि कोई इसमें टूटा हुआ चीज़ ना हो। तो हमने उनको कहा था कि जी आप हज पे जब जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमने आपकी दावत इसी बर्तनों में आपको खाना खिलाना है। तो यहाँ पर जी हमने वो बर्तन खोल लिए थे और खोल के जी अब हम उसको कर रहे थे धो धा के, हमने कहा था हम रख देते हैं ताकि उस दिन हम इसको निकाल के सिंपली यूज़ कर सकें। तो इस डिनर सेट की ये स्टोरी थी और मैंने ये क्लिप सेव रखा हुआ था, मैंने उस व्लॉग में शेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा प्लान था कि हम इसके इस वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस डिनर सेट की बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है। तो वी वर ऑल्सो बिट स्केयर्ड कि टूटा ना जाए, हम लोगों ने जिम्मेदारी तो ले ली थी लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिनर सेट पूरा मुकम्मल ठीक था और बिल्कुल सही था, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मिशन सक्सेसफुल हुआ। ये ठीक हाँ जी सही नहीं धोती ना, दोबारा धोती सास, इट्स नॉट सही नहीं धोई, ये जो सास होती है ना उनको कॉम्प्लेक्स होती है, उनको क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा बिस्मिल्लाह लीक हो जल्दी सी निशान के हाथ देखा टूट गया फिर, और मैंने दम नहीं था खोला, दम खोल गया तो बिरयानी सारी लुल भी आ गई, मैंने कहा दम खोल दिया, कहते शुक्र को गिरे नहीं सारे गिरते गिरते बचे हैं, वो इसका प्लास्टिक के हैंडल है वो छूट गया, स्लिप हो गया, हाँ प्लास्टिक का हैंडल निकल गया। पहले जी खाना सर्व कर दिया हमने माशाल्लाह से, उसी डिनर सेट में हमने खाना सर्व किया, तो आपको ये खाने की लुक दिखाते हैं। मीठे में था जी केक और साथ में सोनू ने तायरा की जो सिस्टर हैं समीरा उसने बनाया था मीठा मीठा, उनका बहुत मज़े का होता है। हिंदी जी एंड पे नाज ने बनाई चाय और अल्हम्दुलिल्लाह चाय थी बहुत मज़े की बनी, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिजी दिन था, वो लोग भी काफ़ी लंबी फ़्लाइट लेके आए थे तो हम लोग बस पे थोड़ी सी देर बैठे थे खाना खाने के बाद, और उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए थे, एक तो नेक्स्ट डे वैसे भी मंडे था वर्किंग डे था और दूसरा उन लोगों को भी रेस्ट करना था, और तो ओवरऑल जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए और सबको हज की तौफीक दे, और अल्लाह ताला सबका हज जिन लोगों ने किया उनका कबूल फरमाए, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें।